चलिए समय हो गया है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबर। किसी अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार डरा हुआ है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली के बनियापारी गांव निवासी रामकुमार 29 जुलाई को सऊदी अरब से इंडिया पहुंचा। इसके बाद इसकी जानकारी घर वालों को दे दी गई, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा, जिसके चलते उनके पिता लोटू राम काफी दुखी हैं और डरे हुए हैं कि आखिर उनका बेटा जो कि सऊदी अरब से घर के लिए निकला था वो भारत आ गया, लेकिन 30 जुलाई को एक बिहार के व्यक्ति ने संपर्क किया और उसके बाद जानकारी दी गई कि राजकुमार का सामान उसके पास है, आकर ले जाएं। इसी के बाद से पूरा घर वाले डरे हुए हैं और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका लग रही है, जिसके चलते वो मदद मांग रहे हैं पुलिस अधीक्षक से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई जा रही है मदद की, कि उनकी मदद की जाए और उनके बेटे को ढूंढा जाए। आखिर कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है उनके बेटे की। एक हमारा लड़का सऊदी से आ रहा है, आने के बाद सऊदी से उतर गया प्लेन से और बस पकड़ा बस स्टैंड से आया, ट्रेन में पकड़ा, ट्रेन पकड़ करके और बात किया, ट्रेन करने के बाद उसका बात फिर सब बंद। अभी तो लड़का का पता छः दिन आज हो गया। हाँ, और एक बिहार का आदमी है, वो कम से कम 5-6 बार फोन कर चुका है, 5-6 बार फोन किया, 5-6 मोबाइल से किया है। हाँ। और वो बुला रहा है, खाली बहू को बुला रहा है, या के अपना सामान ले जाइए और किसी को कहिए मत, किसी को साथ लेकर आइए। कुछ साहब बोले हैं कि ठीक है, आपकी कार्रवाई हो जाएगी आप घर। ग्राम बनियापार थाना मोहम्मदाबाद के लोटू राम ने बताया है, उनका लड़का 29 तारीख को विदेश से सऊदी अरब से लौटा है और उसके बाद अपने घर से उसने संपर्क किया है इंडिया में आने के बाद, और ये बताया गया कि मैं घर आ रहा हूँ। 30 तारीख को जब वो नहीं पहुँचा है, फिर एकदम सुबह कहीं से फ़ोन आया उनको बिहार से, जैसा बताया गया है कि हमारा राजकुमार का बैग मेरे पास है और मेरा बैग उनके पास है। फिलहाल राजकुमार घर नहीं पहुँचे हैं और दिल्ली से ट्रेन पर बैठ करके आगे जाने की बात है। प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है और इनकी सर्विलांस सेल और अन्य स्रोतों से पता लगा करके कार्रवाई कराई जा रही है। इनके साथ कोई कहीं दुर्घटना हुई हो, वैसे तो ट्रेन का विषय है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ के निवासी हैं और हमें सूचना दे रहे हैं, तो इसकी अपेक्षित कार्रवाई कराई जा रही है।